नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। माओवादी के गढ़ मानल गेल शहीद नगर पालिका में जसपा आ कांग्रेस जीत हाथ पारने मुख्य प्रसंग से नेकपा माओवादी केंद्र के गढ़ धनुषा के शहीद नगर नगर पालिका में मेयर जनता समाजवादी आ उपमेयर नेपाली कांग्रेस जीतने है। निवर्तमान कांसा मेयर उदय कुमार बरबरिया यादव के तेसर नंबर में पाछा छोड़े जसपा के दिनेश प्रसाद यादव मेयर पद में विजयी भेल छथि। ओ 1638 मतांतरण कांग्रेस उम्मीदवार सुधीर कुमार गोइत के पराजित कने छनि। यादव 5743 मत आनि कऽ विजय भेल संगे हिनकर निकटम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के गोइत 4105 मत मात्र आन सकल छलनि। तेसर नंबर में माओवादी केंद्र के उम्मीदवार निवर्तमान कांसा मेयर बरबरिया 4077 मत में मात्र सीमित भेलनि। अहिना उपमेयर में कांग्रेस के सुनीता कुमारी सिंह 4931 मत आनि कऽ विजय भेल छथि। हिनकर निकटम प्रतिद्वंदी जसपा के लक्ष्मीनिया कुमारी मंडल 4791 मत अनने छलनि। तहिना तेसर में माओवादी केंद्र के रेखा कुमारी मंडल 4215 मत में सीमित भेल छथि। धनुषा के धनुषा धाम नगर पालिका में नेपाली कांग्रेस के मेयर आ उपमेयर में निर्वाचित भेल अछि। मेयर में बालेश्वर मंडल निर्वाचित भेल छनि। ओ 4718 मत अनने संगे हिनकर निकटम प्रतिद्वंदी नेकपा एमाले के योग कुमार यादव 4189 मत अनने छथि। अहिना उपमेयर में कांग्रेस के विधा देवी भुजेल निर्वाचित भेल छनि। ओ 4125 मत आनि कऽ हिनकर निकटम प्रतिद्वंदी एमाले के शांति देवी सुडिन 3603 मत अनने छथि। धनुषा के कमला नगर पालिका के मेयर उपमेयर में कांग्रेस विजय भेल अछि। मेयर में कांग्रेस के विशेश्वर यादव 3887 मत सहित विजय भेल छनि। हिनकर निकटम प्रतिद्वंदी जनता समाजवादी पार्टी के पशुपति यादव 2859 मत पेने छलनि। तहिना उपमेयर में कांग्रेस के शीला देवी मंडल 3887 मत सहित निर्वाचित भेल छनि। हिनकर निकटम प्रतिद्वंदी नेकपा एकीकृत समाजवादी के सरस्वती सिन्हा कुशवाहा 2766 मत मात्र प्राप्त कयने छथि। महतरी के मठियानी नगर पालिका के प्रमुख में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के हरिप्रसाद मंडल निर्वाचित भेल छथि। मंडल दोसर बेर निर्वाचित भेल छनि। ओ 4003 मत आनि कऽ निर्वाचित भेल छनि। हिनकर निकटम प्रतिद्वंदी जनता समाजवादी पार्टी के मोहम्मद मुजीबुल रहमान 2674 मत अनने छलनि। तहिना तेसर स्थान में नेकपा एमाले के हेमचंद्र यादव रहल छनि। ओ 1857 मत मात्र लेलनि। तहिना उप प्रमुख में लोसपा के मंजू देवी निर्वाचित रहल छनि। ओ 3864 मत अनने संगे हिनकर निकटम प्रतिद्वंदी जसपा के जिप्सी देवी यादव 2751 मत अनने छनि। संगे अन्य पालिका के मतगणना अखन जारी रहल अछि। महतरी के बर्दीवास वडा नंबर 8 मतगणना खत्म भ कऽ परिणाम समेत सार्वजनिक भ चुकलाक बाद एकटा मत पेटिका गणना नहि कयल गेल खुलासा भेल अछि। बर्दीवास के अंतिम नतीजा सार्वजनिक के प्रतीक्षा में रहल नगरवासी मत पेटिका भेटल खबर से आश्चर्य में पड़ल छनि। बर्दीवास के 13 वडा गणना खत्म भ कऽ अंतिम वार्ड के मत पेटिका निकाल क्रम में वडा नंबर 8 के थप मत पेटिका से भेटल निर्वाचन कार्यालय बर्दीवास के सहायक निर्वाचन अधिकृत शर्मिला तमांग जानकारी देने छनि। बर्दीवास 8 अंतर्गत बेलगाछी 6 के 2 बाकस मध्य एकटा बाकस के मात्र मतगणना भेल आ दोसर बाकस दोसर वार्ड में मिलल तमांग जानकारी देने छनि। मतदान अधिकृत कर्मचारी आ राजनीतिक दल समेत मतगणना समय सबटा बाकस के खोजी नहीं केने ताहि से अन्य वार्डक बाकस संग त्रुटिवश छूटल तमांग जानकारी देने छनि। वडा नंबर 8 के 9 मत पेटिका मध्य 8 के मात्र मत परिणाम सार्वजनिक भेला से आब सर्वदलीय बैसार बैसा कऽ सहमति कयल जायत। छूटल मत पेटिका के गणना से आबय वाला परिणाम स्वीकार्य कराब गणना शुरू संगे निर्वाचन कार्यालय बर्दीवास जानकारी देने अछि। बर्दीवास के मतगणना वडा नंबर 8 से शुरू कयल गेल छल। निर्वाचन कार्यालय बर्दीवास 753 मत प्राप्त कऽ कऽ माओवादी केंद्र के शमशेर सिंह लामा विजयी भेल घोषणा समेत कऽ चुकल अछि।
नेपाल में थप 12 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कैल गेल 2580 टा PCR परीक्षण में 12 गोटे में कोरोना के संक्रमण देखल गेल। मंत्रालय जानकारी देने अछि तहिना 1047 टा एंटीजन परीक्षण कैल गेल में एंटीजन के परीक्षण मार्फत किनको में संक्रमण पुष्टि नहि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि तहिना कि कोरोना के कारण बृहस्पति दिन किनको मृत्यु नहि भेल अछि। संगे बीतल 24 घंटा में थप 9 गोटे संक्रमित निक होत। अखन धरि नेपाल में 9,66,938 गोटे संक्रमित निक रहल छन। अखन नेपाल में 150 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। मध्य प्रदेश के एकमात्र बीरगंज महानगर पालिका में जनता समाजवादी पार्टी जसपा के उम्मीदवार राजेश मान सिंह 14,582 आ हिनकर प्रतिद्वंदी नेकपा एमाले के उम्मीदवार विजय सुरावगी 7,379 मत प्राप्त कने सैथ। सिंह दोबर मत से अखन अग्रता में रहल सैन। सिंह आ सुरावगी के मत बढ़ल लागल संगे एमाले के नेता सब जीत प्रति संसित देखल गेल छन। निवर्तमान मेयर सोराबगी एहिसँ पहिने जसपा में मेयर चुनल गेल छलनि मुदा ओ फेरू टिकट पाबा संभावना कमजोर देखने बाद एमाले में प्रवेश कऽ कऽ सूर्य चिन्ह सँ मैदान में उतरल छलथि। सिंह 5 दलीय गठबंधन सँ जसपा के उम्मीदवार रहल छन। सोराबगी के लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा समर्थन कलक अछि। कलैया उप महानगर पालिका में नेकपा एमाले के विनोद शाह गठबंधन के उप उम्मीदवार राजेश कुमार राय के करीब 5,000 मत पाछा छोड़ने से इंसा 13,927 मत प्राप्त केने संगे यादव 9,355 मत मात्र प्राप्त केने से। तहिना उपमेयर में एमाले के रोशन प्रवीण 10,331 मत पेने से। गठबंधन से उपमेयर में जसपा के प्रमोद गुप्ता 9,837 मत पेने सैथ मुदा लोसपा के अवस्था लज्जास्पद देखल गेल अछि। लोसपा मेयर के उम्मीदवार जयप्रकाश शाह 4,31 आ उपमेयर के उम्मीदवार नासरी नाजले 5,21 मत मात्र पेने सैन मुदा जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका में गठबंधन से उम्मीदवार रहल राजन पौडेल 18,429 आ हिनकर प्रतिद्वंदी एमाले के सरस्वती चौधरी 17,321 मत पेने सैथ। महतरी के भंगा नगर पालिका में बुध दिन साँझ से रोकल मतगणना अखन धरि शुरू होब नहीं सकल अछि। निर्वाचन कार्यालय भंगा 8 के मत परिणाम सार्वजनिक केने में धांधली कैल गेल कहित नेपाली कांग्रेस मतगणना में अवरोध केने छैन। भंगा नगर पालिका 8 में 7,55 मत प्राप्त कऽ कऽ 6 मतांतरण जनता समाजवादी पार्टी के शरीफ राइन निर्वाचित भेल संगे निर्वाचन कार्यालय घोषणा केने छल। कांग्रेस धांधली कऽ कऽ राइन के जीतने आरोप लगबैत मतगणना अवरुद्ध कैल गेल अछि। कांग्रेस के राम राउत 7,49 मत प्राप्त केने निर्वाचन कार्यालय के अधिकृत अड़ियाल जानकारी देने छनि। कांग्रेस मत परिणाम में नीचा ऊपर केने आरोप लगबैत मुदा पुनः मतगणना करऽ पर अडान रखने सैन। भंगा के निर्वाचन अधिकृत केशव प्रसाद आर्या लगातार गणना शुरू कराब प्रयास कलो पर अखन धरि मतगणना शुरू होब सहमति नहीं जुटला से गणना शुरू होब नहीं सकल जानकारी देने सैन। मतगणना खत्म भेलाक बाद अपन प्रतिनिधि के नहीं देखेने आ बिना सहमति मत परिणाम सार्वजनिक केने बाद नेपाली कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता असंतुष्ट बनल। जिला सभापति नागेश्वर यादव जानकारी देने सैन। भंगा में नगर स्तरीय सर्वदलीय बैसार से एतुका समाधान कर कांग्रेस नेता सब लाग पड़ल हिनकर कहब अछि। विवाद के बाद मंगल दिन साँझ 6 बजे से मतगणना स्थगित भेल छल। राति 9 बजे से राति 12 बजे धरि बैसल सर्वदलीय बैसार से बृहस्पति दिन भिनसर 8 बजे से गणना शुरू कर मौखिक सहमति केने मुदा बृहस्पति दिन ई सहमति मान दल सब तैयार नहीं भेलाक बाद बेर बेर बैसल सर्वदलीय बैसार से सहमति नहीं जुटल संगे गणना शुरू होब अखन धरि नहीं सकल अधिकृत अड़ियाल जानकारी देने छथि। महतरी के एकडारा गाँवपालिका में जनता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद में विजय भेल अछि। अध्यक्ष में 4,499 मत प्राप्त कऽ कऽ दीप नारायण मंडल आ उपाध्यक्ष में 4,671 मत प्राप्त कऽ कऽ मजहबी खातून निर्वाचित भेल। जिला स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय जानकारी देलक अछि। अध्यक्ष पद के निकटम प्रतिस्पर्धी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के
राम छबिलासा 2004 से 2011 आ उपाध्यक्ष में व्या दल के रुक्साना खातून 2076 मत मात्र प्राप्त के ने मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीप कुमार खरेल जानकारी देने सहित गाँवपालिका में जसपा वडा नंबर 1, 2, 3 आ 6 तहिना लोसपा वडा नंबर 4, 5 जीत हासिल कने अछि। स्थानीय तह के निर्वाचन में उम्मीदवारी देवे लेल मध्य प्रदेश के प्रदेश सभा सांसद से राजीनामा देने उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा पराजित भेल छन। प्रदेश सभा सदस्य से राजीनामा द कर सरलाही के गोडैता नगरपालिका के मेयर में नेपाली कांग्रेस से उठल कुशवाहा पराजित भेल छन। सरलाही क्षेत्र नंबर 4 के ख से निर्वाचित कुशवाहा कांग्रेस मध्य प्रदेश के प्रमुख सचेतक छलन। प्रदेश सभा सदस्य से राजीनामा द कर स्थानीय तह के निर्वाचन में उम्मीदवारी देने कुशवाहा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा के उम्मीदवार देवेंद्र कुमार यादव संग 4 से 42 मत से पराजित भेल छन। यादव 5,294 मत आनिक निर्वाचित भेल संगे कुशवाहा हिनकर निकटम प्रतिद्वंदी 4,742 मत मात्र अने छथि। सिरहा नगरपालिका के मेयर आ उपमेयर में नेकपा एमाले विजय भेल अछि। मेयर में शहीद हेम नारायण यादव के बेटा डॉक्टर नवीन यादव विजय भेल छन। ओ 11,143 मत आनिक विजय भेल निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय जानकारी देने अछि। हिनकर निकटम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस के उपेंद्र कुमार यादव 8,732 मत अने छलन। उपेंद्र सिरहा के पूर्व उपमेयर रहल छन। सिरहा के निवर्तमान मेयर तथा जसपा के उम्मीदवार अशेश्वर यादव तेसर स्थान में सीमित बनलन। ओ मात्र 7,752 मत पेने छथि। उपमेयर में एमाले के बबीता कुमारी साह विजय भेल छथि 10,126 मत अने संगे हिनकर निकटम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस के सरिता यादव 8,577 मत अने छथि। मध्य प्रदेश में दोसर महिला मेयर में निर्वाचित भेल छन। सप्तरी के सुरुंगा नगरपालिका के मेयर में गीता चौधरी निर्वाचित भेल छथि। कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी 3,000 से बेसी मतांतरण से नेकपा एकीकृत समाजवादी के रामनारायण चौधरी के पराजित करैत विजय भेल छथि। गीता 7,292 मत आनिक विजय भेल संगे हिनकर निकटम प्रतिद्वंदी एकीकृत समाजवादी के रामनारायण चौधरी 4,117 मत मात्र आन सकल छलन। तेसर नंबर में जनता समाजवादी के साबिर अली 3,668 मत मात्र आने से तहिना उपमेयर में कांग्रेस के रुद्र बहादुर कार्की निर्वाचित भेल छन। ओ 6,275 मत आने से एमाले के सलीम कुमार पासवान 2,103 मत मात्र अनलन। तेसर नंबर में माओवादी केंद्र के शिव कुमार राम 2,467 मत आने छन। तहिना गीता चौधरी मेयर में निर्वाचित संगे मध्य प्रदेश में 2 गोटे महिला मेयर में निर्वाचित रहल छन। रौथट के मौलापुर नगरपालिका में नेकपा एमाले से पुनः रीना कुमारी शाह निर्वाचित भेल छन। ओ एमाले नेता प्रभु शाह के श्रीमती समेत रहल छन। ऐसे पहिने 2074 के निर्वाचन में शाह माओवादी केंद्र से मेयर में निर्वाचित भेल छलथि। रामकथावाचक मोरारी बापू जनकपुर धाम आबि रहल छथि। जेठ 7 गते जनकपुर धाम में आबि रहल रामकथा प्रेम यज्ञ समिति के अध्यक्ष राम रोशन दास जानकारी देने छन। दास देने जानकारी अनुसार मोरारी बाबू द्वारा यह जेठ 8 गते से श्री रामकथा प्रवचन देवाक कार्यक्रम रहल अछि। 8 गति से शुरू होय लागल रामकथा 7 दिन अर्थात 15 गते धरि चलत। अय कार्यक्रम में स्थानीय वासी सब के साथ सहयोग सुझाव सलाह तथा मार्गदर्शन के लेल सदैव आकांक्षी रह दास जानकारी देलन। प्रवचन कार्यक्रम 7 गते शनि दिन साँझ 4 बजे से साँझ 7 बजे धरि होय तहिना जेठ 8 गते से रवि दिन से 15 गते धरि भिनसर 10 बजे से 1:30 धरि कैल जायत। संगे प्रसाद भोजन वितरण करबा कार्यक्रम समित रहल अछि। हिनकर साथ रमानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण सीरियल में सीता जी के भूमिका निर्वाह केने दीपिका चिल्खिया सेहो जनकपुर धाम आबि रहल जानकारी समेत आयोजक बुध दिन आयोजना केने पत्रकार सम्मेलन से जानकारी करौने छन। बापू के कार्यक्रम के लेल स्थानीय तिरहुतिया गासी में भव्य पंडाल सहित के तैयारी भ चुकल अछि।
बुटवाल उपमहानगरपालिका में मतगणना स्थगित कल गल उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 11 के मतपेटिका के सील तोड़ल देखल गल के बाद मतगणना स्थगित भेल। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार मतगणना रोक के सर्वदलीय बैसार बैसबाक तैयारी भेल। अन्य वार्ड के मतगणना संगे जारी रहल। बुटवल में नेपाली कांग्रेस मेयर में लीड केने संगे उपमेयर में नेकपा एमाले लीड कर रहल। वार्ड नंबर 11 में सबसे बेसी मतदाता से हो रहल सैन बेच। तो टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित भेटा करब। तखन धर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखित रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।